तो बहुत ही बड़ी न्यूज निकल करके आई है कि आपको बता दें, सहारा से भुगतान तो अब होने ही वाला है नए साल के दिन में, यानी कि इस महीने में, नहीं तो मानकर चलिए कि फरवरी में। लेकिन दोस्तों आपको बता दें भुगतान को लेकर के, दोस्तों जैसे कि सहारा से सुब्रत राय साहब से जब बात हुई तो दोस्तों उन्होंने कहा कि हाँ मतलब अब जा कर के भुगतान मैं कर दूंगा बहुत ही जल्द। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि भुगतान को लेकर के और सहारा से सुब्रत राय साहब से जो है बातचीत हुई तो वो भुगतान के लिए राज़ी हो गए हैं। और आपको एक बात बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें भी हाँ भर दिया है और सेबी के पास में बताया जा रहा है कि 25,000 करोड़ रुपया जो है वो वापस पड़ा हुआ है। तो आखिरकार सेबी कब देगी पैसे? तो जी हाँ दोस्तों, इसमें सहारा से सुब्रत राय साहब ये बोले हैं कि हाँ मतलब हमने जो है बचा करके रखा पैसा सेबी के पास में रख दिया है नियोक्सिकों का भुगतान करने के लिए, अब सेबी जितना ही जल्दी भुगतान करे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सहारा और सेबी, सेबी और सहारा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें पीसीएल की तरफ से एक आया है, पीएसीएल की तरफ से भी यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान अब जो है बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। निवेशक बड़े दिन से परेशान थे, इंतज़ार थे, लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज़ यह आई है कि आपकी जो मैच्योरिटी बॉन्ड है वो पूरा होना चाहिए, पूरा है तो आपको भुगतान मिलेगा। दोस्तों बगैर मैच्योरिटी बॉन्ड के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, मैच्योरिटी बॉन्ड ही पूरा करना पड़ेगा आपकी जो है। अब आप लोग, मैं यही बोलूँगा कि मतलब फिर से लालच में यानी कि लॉलीपॉप में मत आइएगा जो है सुब्रत राय साहब बोलेंगे। लेकिन दोस्तों जो है आपको बता दें कि आपकी जो पैसा के काली पूरी ज़िंदगी की माई जो सहारा से सुब्रत राय साहब काला धन बना करके उसको लेकर के फरार हो चुके हैं, वह पैसा आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। और आखिरकार जो है जब तक मिल नहीं जाता तब तक कोई ढिलवा ही नहीं, यह लड़ाई जारी रहेगी, पहले भुगतान उसके बाद फिर मतदान। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल करके आई है कि आखिरकार में जो है भुगतान बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। और इस भुगतान के अलावा आप लोगों को एक और अहम बात है कि पीसीएल जो है वह आप लोगों का भुगतान करने के लिए